हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, मजे में पढ़ रहे होगे और कैरियर पॉइंट फुल आपको सपोर्ट कर रहा है आपके स्टडी में। आप जेई का तैयारी करो या नीट का तैयारी करो, उसमें हम लोग प्रॉपर देख रहे हो कि कुछ ना कुछ वीडियो जाते रह रहा है। तो उसी सिलसिला में आज हम एक वीडियो करने जा रहे हैं जो टॉपिक तो है 11th, बट इस टॉपिक में 12th वाले बच्चे भी परेशान होते हैं, इवन ड्रॉपर वाले बच्चे भी परेशान होते हैं। टॉपिक का जो हेडिंग है वो है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आप लोग देखो कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर हमको रेंज निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला होता है, उस पे हम लोग आगे जाके बात कर लेंगे और फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है, बट उसी में कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चों को पहली बार करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम किसका बात कर रहे हैं? रेंज का। और किसका रेंज का बात करने जा रहे हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका रेंज आपको फाइंड करना है, तो सिंपल अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा। आप लोग बोल दोगे कि सर इसका ग्राफ ड्रॉ करने हम लोगों को आता है, कि सर इसका ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा हम लोग दो केस में ड्रॉ करते हैं, दिख रहे हैं आप लोग? पहला केस क्या होता है, ये वाला ग्राफ कब ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। और ये एक सेकेंड ग्राफ कब ड्रॉ करोगे? जब ए का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा। अब इस ग्राफ में आप सबको इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला याद होगा। ये जो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स होता है इसको बोलते हैं माइनस बी बाई टू ए से लेकर माइनस डी बाई फोर ए। सेम हियर, यहां भी वर्टेक्स तो यही होगा कि माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए, ये आपको दिख गया। तो अब अगर वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर इसका जो रेंज हम लोगों को दिख रहा है वो अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, ये ग्राफ तो ऊपर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, बट सर मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना हो रहा है? माइनस डी अपॉन फोर ए हो रहा है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इसका रेंज कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में अगर बात करोगे कि सर इस केस में क्या होगा, तो ये ग्राफ आप देखिए डाउनवर्ड फ्रीजिंग पैराबोला बना है, ये डाउनवर्ड फ्रीजिंग पैराबोला है। दैट मींस क्या हुआ कि ये सर नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बट सर मैक्सिमम वैल्यू यही पे रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा? वर्टेक्स के पास ही मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। तो अगर हम इसका रेंज लिखें तो हम लिख लेंगे माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए। ये तो रहा सिंपल क्वाड्रेटिक जिसको आप आसानी से फॉर्मूला यूज करके आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज फटाफट निकाल सकते हो। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, जो तुम लोगों को मजा आता है। बच्चे ज्यादा खुश कहाँ होते हैं कि उनको फॉर्मूला मिल जाए, सर कोई भी सवाल हो दे दो हो जाएगा। बट जेई मेन्स और एडवांस का जो एग्जाम है वहां सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं होता है, वहां अपना ब्रेन लगाना पड़ता है, अपना आईक्यू यूज करना पड़ता है, तब जाके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। इसी में आप आगे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा, अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि एग्जांपल में मैं ये लिख ले रहा हूं कि कोई सिंपल क्वाड्रेटिक है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस क्वाड्रेटिक का मुझे रेंज निकालना हो, तो रेंज निकालना हो तो आप सबको दिख रहा है कि इसका ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे कि सर मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगा, माइनस डी बाई फोर ए पे, बट सर इसका मैक्सिमम तो डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालने की बात करें तो वाई मिनिमम कितना हो जाएगा, वाई मिनिमम हम क्या लिखेंगे, तो माइनस बी अपॉन फोर ए, ये इसका मिनिमम हो गया। और यहां से आप d का वैल्यू निकाल दो तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इधर d निकाल ले रहे हैं, बी स्क्वायर 25 माइनस 4 ए सी, तो ये हो गया 1। तो दैट मींस इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आ गया, माइनस 1 बाई 4। तो अगर हमको इसका रेंज लिखना है
तो रेंज कितना लिख देंगे, -1/4 to infinity, ऐसा हम इसका रेंज लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला के बेसिस पे हमने लिख दिया, बट आप लोग सोचो कि रेंज निकालने के लिए एक तरीका और हम यूज कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम रेंज को निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से कर देता हूं, वो भी आप सीख लो। अक्सर रेंज निकालने में ये मेथड काम आता है। कौन सा मेथड सर? तो ये मेथड क्या है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो आसानी से रेंज सोच सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैं एक, अच्छा इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। यहां से आप लोग देखो, एक्स स्क्वायर -2 × 5/2 लिख रहा हूं, इंटू एक्स प्लस 25/4 -25/4 अब प्लस 6, इतना लिखा जाए कोई दिक्कत है? सेम ही चीज लिखा हुआ है। अब ये वाला टर्म आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये कितना बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। और इधर कितना हो रहा है, अगर आप यहां एलसीएम लेके सोच रहे हो तो ये 25/24 -1/4 लिखा हुआ है। ये जो हमारा y था ये अभी इतना आ गया। देखो मैंने y को x माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 लिख दिया। अब क्या सोचना है कि सर इसका रेंज निकालना है, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगर हमको यहां से y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर सोचना है तो मैं क्या सोच रहा हूं कि सर ये किसी नंबर का स्क्वायर है और ये -1/4 है। तो अगर इसका मैं मिनिमम की बात करूं तो जिस दिन ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा उस दिन वाई का मिनिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1/4 मिल जाएगा। और ये जीरो तो पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू -5/2, एक्स का वैल्यू +5/2 आप रख दो, एक्स का वैल्यू +5/2 अगर हम पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, -1/4। और देख लो इसके डोमेन की बात करोगे तो डोमेन कितना है, ऑल रियल है, दैट मीन्स हम ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो वाई मिनिमम आपको मिल गया, यहां से वाई मिनिमम कितना आ गया, -1/4। देख लो यहां भी मिनिमम वैल्यू -1/4 आया था, यहां भी मिनिमम वैल्यू -1/4 ही आया है। तो आप क्या करिए, जब भी रेंज की बात हो क्वाड्रेटिक का तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आंसर के पास जा सकते हो। क्लियर है? तो ये तो सिंपल हो गया कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट हम ऐसे करके बना लेंगे। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट अगर क्वाड्रेटिक की बात चल रही है तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले आप लोग बोलोगे कि सर रेंज में ऐसा भी कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है एक्स प्लस बी टाइप, या फिर एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इस टाइप का भी हो सकता है, या थर्ड वन एक केस और बनता है कि 1/ax + b। मतलब क्या हुआ सर कि वहां तो हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे तो इसमें एक तो सर आप लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, यहां पे सर हम लोगों को दिख रहा है कि लीनियर अपॉन लीनियर है, और ये क्या बन रहा है, 1/ लीनियर बन रहा है। हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन हैं। इन सारे एक्सप्रेशन का अगर मुझे रेंज चाहिए, फिर से रेंज बोल रहा हूं, रेंज का मतलब आप सबको पता है कि आउटपुट होता है। फंक्शन की अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट में हम बात करते हैं, इनपुट जो मशीन में डाला जा रहा है, आउटपुट जो बाहर आ रहा है, तो अपने को रेंज ही सोचना है। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी लीनियर एक्सप्रेशन है। तो यहां आप अगर देख रहे हो कि इसका वैल्यू क्या आएगा, ये तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, तो अगर हम इसका रेंज लिखेंगे तो ऐसे भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो यहां से अगर आप इस एक्सप्रेशन का रेंज लिखोगे तो इसका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल हो गया। और अगर इसका रेंज निकालना है, इसका रेंज निकालना है तो हम ग्राफिकली भी सोच सकते हैं, बट मैं ग्राफिकली अभी नहीं जा रहा हूं, मैं क्या इसको थ्योरेटिकली सोच रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिख के मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। जैसे सपोज मान लीजिए आप कि y इज इक्वल टू आपके पास 2x - 3/3x - 7 है, इसका रेंज मुझे निकालना है।
तो रेंज का मतलब क्या होता है कि सर वाई का वैल्यू निकाल दिया, फंक्शन के टर्म में हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy-7y = 2x-3 हो गया। और मुझे क्या करना, यहां से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना, इस x को इधर ला दीजिए और x जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहां क्या बचेगा, 3y बचेगा और ये इधर आ गया तो -2 बचेगा और इसको उधर भेज देते हैं तो ये 7y-3। और आप यहां देख रहे हैं कि x का वैल्यू आ गया 7y-3/3y-2। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब आप यहां से देखो कि x डिफाइंड कब होगा, x डिफाइंड तभी हो रहा है जब इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आप यहां से ये बात तो लिखोगे कि सर x तभी डिफाइंड होगा जब इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, दैट इज 3y-2 ≠ 0, देन वी गेट y ≠ 2/3। y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया कि सर y का वैल्यू क्या नहीं होगा, 2/3 नहीं हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है। दैट मीन्स इस फंक्शन का जो रेंज आया वो क्या आ गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 2/3। मतलब इसका जो रेंज है सब कुछ पॉसिबल है, बट क्या नहीं पॉसिबल है, 2/3 पॉसिबल नहीं है। तो ये बात यहां से हम समझ गए हैं सर कि जब भी यहां से ट्रिक काम करेगा जो आपको चाहिए होता है हमेशा हर क्वेश्चंस में, सर इतना कौन करने जाएगा, कोई ऐसा मेथड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखे और आंसर कर दे, है भाई रुको, क्या करना होगा जब भी कुछ ऐसा आ जाए। ये जो आप आंसर देख रहे हो हमने क्या लिखा, आर माइनस 2/3, ये 2 कहां से आए जरा देखना क्वेश्चंस में, 2 क्या है जो ऊपर एक्स का कोफिशियंट है वो लिखा गया है, 3 कहां से आया जो नीचे एक्स का कोफिशियंट है वो लिखा गया। दैट मीन्स सर कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो उसका अगर हमको रेंज लिखना होगा तो हम लिख देंगे r-a/c। ये एकदम काम का फॉर्मूला है, आप इसको एकदम ध्यान में रखेंगे कि जब भी कभी लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन हो उसका रेंज निकालना है तो हमको क्या सोचना है, और ये कभी गलत नहीं होने वाला है, हमेशा आंसर आपको एकदम सही लाकर देगा, और कोई मेहनत भी नहीं करना है, तुरंत क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखते आंसर टिक खत्म हो गया। अगर मेथड की बात हो तो मेथड हम ऐसे करेंगे, उसको वाई एज्यूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करेंगे और वहां से देख लेंगे कि वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अच्छा थर्ड आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या, कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि क्या थर्ड हमको करना है। अगर आप अभी देख रहे हो तो जरूर बताना कि थर्ड का आंसर क्या आएगा। चलो तो ये भी बट मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं आपके लिए कर भी देता हूं कि अगर, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके अपने से कोशिश करना, करने के लिए यहां क्या लिखा गया है, 1/linear, थोड़ा सा अपना खोपड़ी लगा लो तो 1/linear लिखा हुआ है। आप ये तो बोल ही सकते हो ना कि सर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 0 × x + 1 / ax + b, ऐसा लिखने में कोई गुनाह तो नहीं है भाई, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो आपका दिमाग ये बोलेगा कि भाई ये भी तो सर देखो ना पहले ही हो गया लीनियर बाय लीनियर जैसा दिख रहा है ना, ये भी ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। कभी हमने ट्रिक सीखा कि लीनियर बाय लीनियर ट्रिक क्या होता है, तो आर माइनस ऊपर वाले एक्स का कोफिशियंट अपॉन नीचे वाले एक्स का कोफिशियंट। तो यहां से अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, आर माइनस ऊपर वाला एक्स दैट इज 0/a, इसका मतलब कि आर माइनस 0 हो गया। तो आप सब यहां से इस चीज को याद रखेंगे कि इसका रेंज आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 0। मतलब एकदम ट्रिक के साथ, शॉर्टकट के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसका रेंज तो हम लिख देंगे इस टाइप से, ax + b के फॉर्म में है तो उसका रेंज आ जाएगा, लीनियर बाय लीनियर होगा तो उसका भी रेंज आ जाएगा, 1/linear होगा तो उसका भी रेंज हम सोच सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। अब इसके बाद वाला जो काम है वो थोड़ा सोचने वाला है, वो क्या नंबर आएगा तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, अक्सर बच्चे उसी में परेशान होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है
वो मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। एक तो ये हो सकता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। अगेन हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे कि सर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगा इसका रेंज कैसे निकालेंगे, लीनियर बाय लीनियर होगा इसका रेंज कैसे निकालेंगे। अब इस सबका रेंज निकालने का सिंपल सा एक ही मेथड है कि आप क्या करोगे कि हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस का रेंज है पहले फंडामेंटल्स को सुन लो क्या करना है। कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सर हम लोग इस एक्सप्रेशन को वाई तो ज़ूम कर ही लिए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आगे हम फर्दर देख रहे हैं क्या करना। तो एक एग्जाम्पल से ही, कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल से इसको आपको सोच के दिखाता हूं। जैसे सपोज आप एज्यूम करो कि एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इसका हमको रेंज निकालना है, इसका रेंज क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा यही है। अब अगर इसका रेंज निकालना है तो मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन, इधर आ गया आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सबको इस साइड बुला लो और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे हम तो वाई इधर से आएगा माइनस वन और यहाँ माइनस एक्स वाई है ये आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया गया, यहां बचेगा वाई प्लस का वन और यहां पे ये वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए थे ना, तो ये कितना आ गया इधर आ जाएगा तो ये हो गया वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आपको जो एक्सप्रेशन ये दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखिए आप, ये जो एक्सप्रेशन आया है एक्स में एक क्वाड्रेटिक आ गया, यहां हम लोग को दिख रहा है ना कि एक्स में क्या बना है, क्वाड्रेटिक बना है। अब अगर ये x में क्वाड्रेटिक बना है, यहां से अगर इस फंक्शन का तुम डोमेन निकालोगे तो x का वैल्यू ऑल रियल है। अब देख लो x का वैल्यू ऑल रियल, x का वैल्यू कुछ भी रखोगे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, ऑल रियल आ गया। तो जब x का वैल्यू ऑल रियल है इसका मतलब यहां से जो भी हम इस एक्स में क्वाड्रेटिक भी है और इसका जो भी रूट्स निकालेंगे वो रियल ही आएगा। मुझे नहीं पता रूट्स क्या होगा बट ये मैं कंफर्म हूं कि जो भी रूट्स आएगा वो कैसा आएगा, रियल आएगा। और अगर रूट्स रियल आया तो डी का वैल्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तभी सोचना है जब वो क्वाड्रेटिक हो। तो यहां आपको क्या करना है, जनरली बच्चे यही गलती कर देते हैं, इसको क्या करना है दो पार्ट में आपको सोचना है। पहला पार्ट कि वाई माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो और सेकेंड पार्ट कि वाई प्लस सॉरी वाई माइनस वन है ना, y माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये दो केस डिफरेंट डिफरेंट लेके हम सोचेंगे। अक्सर बच्चे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे दम ध्यान रखना है। मैक्सिमम टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है क्लासेस में जब ये क्वेश्चन कराया जाता है बच्चा डायरेक्ट ये सोचता ही नहीं है, उसका d निकालते ग्रेटर देन जीरो करता है और उसका आंसर भी आ जाता है और आंसर वो सही भी होता है बट कॉन्सेप्चुअली वो गलत हो गया। कभी वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस जाइएगा। तो जब भी ये वाला एक्सप्रेशन दिखे तो उसके बाद वाला जो आपका स्टेप होगा कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, बिना दो पार्ट में ब्रेक किए नहीं सोचना है। वही जो क्वाड्रेटिक का हम लोग बेसिक काम करते हैं कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ए जीरो नहीं है, मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ये मेरा सेकेंड केस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फर्स्ट केस को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो आप लोग अगर फर्स्ट केस को सॉल्व किया जाए कि ए जीरो नहीं, ए अगर जीरो नहीं है तो d greater than equal to 0 सॉल्व करना है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो तो b स्क्वायर माइनस में है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू y माइनस 1 और c का वैल्यू भी यही, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और इधर आप देखोगे तो आएगा माइनस का 4y स्क्वायर देख लीजिए और यहां आएगा माइनस 2y, माइनस 2y और माइनस 4 प्लस का 8y और माइनस 1 होगा, प्लस 1 होगा तो ये हो गया माइनस का
4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये 4 और 1 हो गया, देखते रहे ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ये हो गया 3 और 8 और 2 10 प्लस 10y, और इधर से आ गया माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0. देख रहे हो, अब इसको सॉल्व कर लेना है. यहां से हमको डायरेक्ट क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा. तो इसका रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग. देखिए तो इसका रूट क्या आएगा, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0. इधर से अगर हम 3y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 3y, यहां से 3y निकल गया, तो माइनस 3 यहां से हमने क्या किया, इधर हमने 3y कॉमन लिया, यहां क्या बचा होगा, y माइनस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. ओवरऑल देखो तो y माइनस 3 और 3y माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब y का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक 3 आएगा, एक 1/3 आएगा. तो y लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1/3, ठीक है, ये प्लस 1/3 ही है, ठीक है. तो y का वैल्यू आप लोग देखो, हमने क्या निकाला कि y का जो वैल्यू है, इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये कितना है, 1/3 ही है. ये क्या लिखा गया, 1/3. यहां से देखो y का वैल्यू क्या आया, 1/3 और 3 के बीच में, ये y का वैल्यू है. बट एक चीज का ध्यान रखना है कि सर आपने तो यहां लिखा था ना, ये हम कब सॉल्व कर रहे हैं, जब y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 है. दैट मींस यहां से क्या लिखना होगा आपको, यहां से ये लिखना होगा, इस केस का अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं तो यहां से आ गया कि y बिलोंग्स टू 1/3 टू 3 माइनस 1. ये हमारा इस केस का फाइनल आंसर आया, ठीक है, कि y का वैल्यू 1/3 और 3 के बीच में होगा, बट क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा. अब आप लोग सोचो कि अगर जो हमने केस 2 किया था, इसको ध्यान से देखना, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं केस 2 का, तो y का वैल्यू 1 होगा. अब मुझे ये चेक कर लेना है कि क्या y का वैल्यू 1 सही में पॉसिबल है क्या, मतलब y 1 आने के लिए x का वैल्यू कुछ रियल मिल रहा है. अगर ऐसा हो जाएगा तो y का वैल्यू 1 पॉसिबल है, ऐसा नहीं हुआ तो y का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है. तो y का वैल्यू 1 में यहीं पे कर लेते हैं, y का वैल्यू मैं 1 यहां रख देता हूं. y का वैल्यू 1 रखोगे आप लोग तो आपको दिखेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2x बराबर 0, दैट इज x बराबर 0 आ गया सर, x का वैल्यू 0 आ गया. मतलब उस एक्सप्रेशन में x के जगह पे हम 0 पुट करेंगे तब जाकर हमको क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 मिलेगा. दैट मींस y का वैल्यू 1 भी पॉसिबल है. तो जो फाइनल अब आंसर लिखना है, वो आंसर देखो, केस नंबर 2 से y का वैल्यू 1 आया, केस नंबर 1 से y का वैल्यू 1/3 टू 3 एक्सेप्ट 1 आया. तो दोनों को अगर क्लब कर दोगे, कंबाइंड कर दोगे, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो क्या आ गया कि y बिलोंग्स टू 1/3 टू 3. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. ये हुआ मेथड. अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर मैं अगर ये केस सॉल्व ही नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता. सर आंसर अभी भी देखिए, पहला केस से ही आंसर आ गया था. नहीं, बट वो तरीका क्या है, गलत है. वैसे आपको नहीं जाना है, हमेशा इस तरीके से सोच के आप आंसर को करोगे. क्लियर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए और बिना ये केस लिए आपको नहीं सोचना है. मैं एक यहां आंख बना देता हूं तुम लोगों के, कि जब भी ऐसा आएगा यहां एकदम फोकस हो जाना है कि वाई का वैल्यू एक बार केस लेके बनाएंगे कि वाई माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 और एक बार वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दो केस में आंसर लाओगे, जो लास्ट में आंसर आएगा दोनों कॉलम कर देना, तब जाकर फाइनल आंसर आएगा, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक बाई देखो, अब ये तीनों का सेम फंडा है. यहां जो तीन टाइप के हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस एज्यूम किए थे,
कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, तीनों का जो फंडा है वो क्या है, एक ही फंडा है कि हर टाइम सर क्या करना है, वाई एज्यूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आगे हमको जाके सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आएगा तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक टाइप का और पॉसिबिलिटी है, उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूं। वो टाइप क्या होगा कि सर अगर ऐसा कुछ आ गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक लिखा जाए x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, इसे कोई को देखो अभी भी ये कौन सा फॉर्म चल रहा है, ये अभी भी सर वही तो है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म, बट इसमें एक चीज दिख रहा है कि दोनों जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक और नीचे वाला क्वाड्रेटिक है उसमें एक कॉमन रूट्स आ गया, दिख रहे हो, इस बार कलाकारी हो गया कि रूट्स क्या है, कॉमन है, तो रूट्स कॉमन है तो हम कैंसिल कर सकते, पहले वाले क्वेश्चंस में कॉमन रूट नहीं थे, तो एक ये भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि सर दोनों में कुछ कॉमन रूट हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, मैं यहाँ वाई लिख रहा हूँ, एक्स माइनस टू को मैंने कैंसिल कर दिया, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, बट इधर मेंशन करिए कि ये आपने कैंसिल कब किया है, जब एक्स नॉट इक्वल टू टू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंशन करना होगा कि हमने यहाँ काटा। अच्छा अगर इस एक्सप्रेशन का अगर हमको कोई डोमेन पूछ रहा है तो क्या बोल रहे हैं पर्टिकुलर इसमें कि x का वैल्यू टू नहीं है और वन नहीं है, x का वैल्यू वन और टू नहीं होना चाहिए नहीं तो वन डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि x का वैल्यू टू हमने कैंसिल कर दिया, जो कॉमन फैक्टर थे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने का कंडीशन मैंने लिख दिया कि हमने कैंसिल कब किया, जब x नॉट इक्वल टू टू है, अब x नॉट इक्वल टू टू है तो कैंसिल है, तो ये तो अब आसान हो गया ना भाई, ये बन गया x माइनस थ्री अपॉन x माइनस, वही पुराना वाला लीनियर बाई लीनियर वाला काम हो गया, और लीनियर बाई लीनियर का तो शॉर्टकट भी बताया तुम लोगों को, तो शॉर्टकट क्या है सर, तो सर इसका रेंज तो मैं लिखूंगा, रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट ऊपर वाला एक्स का कोफिशियंट अपॉन नीचे वाला एक्स का कोफिशियंट दैट इज वन, बट रुको रुको ये आंसर नहीं है, जल्दीबाजी में गलती नहीं कर देना है, आप अगर ऐसा करके छोड़ दिए तो नंबर मिलेगा माइनस, तो क्या गलती हो गई, गलती हमने क्या की, आप ही सर बताए थे कि लीनियर बाई लीनियर होगा तो आंसर, रेंज निकालना होगा तो आर माइनस ऊपर वाले एक्स का कोफिशियंट अपॉन नीचे वाले एक्स का कोफिशियंट डाल देना, मैंने सर किया बट मेरा आंसर गलत क्यों हो जाएगा, ये बताइए आप, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा समझाओ, रुक जाओ, क्या करना है सर, गलती क्या होगी, अब आपको एक काम करना है, आप यहां पे क्या करो, इस एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू टू पुट करो और देखो तब तुमको मजा आ जाएगा, टू पुट करेगा सब, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स का वैल्यू टू पुट कर रहा हूं, ठीक है, जैसे एक्स का वैल्यू टू पुट कर रहा हूं मतलब मैं ये काम कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, एग्जिट टू तो इसमें तो मैं रख ही सकता था, जनरली लिमिट्स लगा करो, अन्यथा तुम डायरेक्ट, अगर इससे तुमको दिक्कत हो रहा है तो तुम डायरेक्ट क्या करो कि पुट कर दो एक्स का वैल्यू टू, अगर हम इसमें एक्स का वैल्यू टू पुट करेंगे तो कितना आएगा सर, टू माइनस थ्री और टू माइनस वन, ऊपर आ गया माइनस वन और नीचे आ गया प्लस का वन, कुछ दिखा भाई क्या हुआ सर, एक्स का वैल्यू अगर हमने टू पुट किया तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन आ गया, इसका मतलब क्या है सर कि अब अगर एक्स का वैल्यू हम इसमें टू रखे होंगे तब जाके वाई का वैल्यू क्या आया होगा, माइनस वन आया होगा, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है क्या करना था, एक्स का रेंज तो आपने क्या निकाल दिया कि आर माइनस वन सब कुछ होगा वन नहीं होगा, बट अब आर में से तो ये भी हटाना पड़ेगा ना माइनस वन, क्योंकि माइनस वन आउटपुट कब आया, जब इनपुट हमने एक्स का वैल्यू टू रखा, जब हमने इनपुट एक्स का वैल्यू टू रखा है तब जाके हमारा आउटपुट माइनस वन मिल रहा है, और हमको इनपुट टू तो रखना ही नहीं है, तो इनपुट जब टू नहीं रखना है इसका मतलब आउटपुट माइनस वन भी नहीं आएगा, क्लियर हुआ, तो यहां से सर आंसर अब जाके हमको फाइनल आंसर मिलेगा कि जो रेंज है वो अब क्या होगा सर कि ऑल रियल एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन, और ये जाके आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, वन और माइनस वन आर में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो दो चीज दो जगह हमको ध्यान रखना था। ये देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करना जब देख रहे होगे और अच्छे से अपने दिमाग से इसको पहले अपने से सॉल्व करिएगा। ये कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हैं, लिमिट क्यों ली थी, छोड़ दो तुमको लिमिट नहीं समझ में आता है तो अभी रहने दो, तुम डायरेक्ट यहाँ एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दो, क्योंकि हमको रेंज कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन का फाइंड करना था, इस एक्सप्रेशन का हमको रेंज फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, ये कॉमन टर्म था उसको कैंसिल कर दिया, और कॉमन टर्म कैंसिल हो गया, उसके बाद एक लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, और लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन का रेंज निकालना हम लोगों को आता है कि आर माइनस ऊपर वाले एक्स का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट। तो उससे हमने आंसर लिखा, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अपने को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब एक्स का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं उस कंडीशन में, ये तो वाई था ना, उस केस में वाई का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, तो y का वैल्यू -1 भी नहीं आएगा, बिकॉज हम x का वैल्यू 2 तो फंक्शन में डाल ही नहीं रहे, x का वैल्यू 2 नहीं डाल रहे हैं, तो y का वैल्यू -1 भी नहीं आएगा। सो फाइनल आंसर इज r -1 2, मतलब r में से 1 और -1 को हमने हटा दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप अब आपको क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे से कर पाओगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपके सीट्स में मिल जाएंगे, डीपीटी में मिल जाएंगे, कोई भी बुक सॉल्व करोगे वहां मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन पेपर पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आप ऐसे करके कर सकते हो, और पर्टिकुलर इस टॉपिक में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देख रहे हो तो सिनेमा की तरह नहीं देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, और आप लोग कैड पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको हमेशा आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।